सर इंडस टावर्स चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है? देखिए इंडस वन सेकेंड। हाँ मैं देखिए ये चार्ट पे काफी बेरिश है और स्टॉक एक मेजर बहुत ही बड़े डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता रहेगा। मेरे ख्याल से इसके फंडामेंटल्स भी वीक है, तो बेस्ट सलाह रहेगी कि स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड किया जाए। सोचे ना, बाइंग का आपके पैसे नहीं बनेंगे, हर बाउंस के बाद ये फॉल आएगा और फॉल में ये नए नए लो बनाते जाएगा, तो कंप्लीटली अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ये ना सोचिए कि स्टॉक सस्ता है तो आपको किसी भी लेवल पे आप बाय करेंगे, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी। और अगर आपने लिया गया है तो जो भी लेवल मिलता है उस पर एग्जिट होके निकल जाइए। अभी भी जब निफ्टी इतना स्ट्रांग है तो ये होल्ड कर रहा है। जब भी निफ्टी में बड़ा कोई 3-4 हज़ार पॉइंट का करेक्शन आएगा तो ये शायद 100 लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है, तो ऐसे स्टॉक में अवॉइड करने की सलाह रहेगी। जी, और प्लस इसके फंडामेंटल्स में भी कुछ खबरें भी उस तरीके की हैं, क्योंकि शायद काफी कुछ जो इनके क्या वो पेमेंट्स चार्ट चार्ट होंगे। के ऊपर भी दिख रहा है, क्योंकि ये स्टॉक कंटिन्यू एक अंडर परफॉर्मर है। 2017 से ये अंडर परफॉर्मर है। जस्ट कोविड में 2021 में एक आई थी, लेकिन मैंने अवॉइड किया था क्योंकि लग रहा था कि एक रेजिस्टेंस है और अभी तो स्टॉक एक मेजर डाउन ट्रेंड में ही है, तो सबसे अच्छी बात है मतलब अवॉइड करना ही सबसे अच्छी बात है। जी,